शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम जाओ सिंगानिया के साथ अपना बिजनेस करो, पैसे कमाओ, ऐशो आराम की जिंदगी जियो और सिंगानिया के साथ बस करो से, तुम अपने हाथ पार कर रहे हो। अब तो तुमने मार कर दिया आशी, जाओ सिंगानिया के साथ अपनी जिंदगी की डिजाइन भी बना लो, जाओ। सिर तुम्हारे और आशी के बीच में क्या चल रहा है? तुम उससे इतना नाराज क्यों हो? देखो माना उसने गलती की, लेकिन उसने अपनी गलती मानी भी है, राइट? प्लीज उससे जाके बात करो और जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर लो। आशी, लॉन्च प्लीज रोक दीजिए। फिर वही सपना देख रहे हो ना? आखिर क्या है उस सपने में जो तुम्हें इतना परेशान करता है? पहले तुम अपने सपने की वजह से इतनी तकलीफ में हो, हम तुम्हारी तकलीफ और बढ़ा रहे। हमारा वादा है तुमसे सिर्फ, हम तुम्हारी इस तकलीफ को दूर करेंगे। तुम्हारी ब्लैक कॉफी। देखो हम मानते हैं कि जाने अनजाने हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब उसके कारण 2 महीने हमें सिंघानी ऑफिस में काम करना पड़ेगा। लेकिन सर ऐसे कैसे कब तक चलेगा? तुम ही बताओ ना, एक कमरे में रहते हुए हम लोग एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, कैसे होगा ये सब? तो क्या चाहती हो, सब भूल जाऊं? जो तुमने मेरी ब्रांड को, मेरे परिवार को जो धोखा दिया है सब भुला दूं, तुम्हें इग्नोर ना करूं, एकदम नॉर्मल हो जाऊं? आशी मैं भी ना इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि जब तुम चाहो तुमसे दूर चला जाऊँ, जब तुम चाहो एक कमरे में रहते हुए भी तुमसे दूर ना जाऊँ। क्या चाहती हो, अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को मार दूँ, कुछ महसूस ना करूँ? जो तुम चाहती हो वो करूँ? सिर हम ऐसे नहीं कह रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें 2 महीने काम करना होगा सिंघानी ऑफिस में। तो एक दूसरे को इग्नोर करने की जगह क्या हम सब कुछ भूल के ले लिया? आशी सब भूल जाऊँ? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मेरा एक सपना था मेरी माँ के नाम का ब्रांड लॉन्च करना, तुमने वो सपना तोड़ दिया। तुम बताओ तुम्हारे बाबा के साथ जो हुआ तुम वो भूल पाई? तुम्हें लगता है कि वो सब मैंने किया? मैं उनकी उस हालत का जिम्मेदार हूँ, तुमने मुझ पे यकीन किया? नहीं ना, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं। आशी तुम ना मुझसे वो सब एक्सपेक्ट कर रही हो जो एक पत्नी एक पति से करती, लेकिन हमारी ये शादी एक समझौता है और तुम तो इंतजार कर रही हो कि कब ये 6 महीने पूरे हों और तुम्हें इस शादी से छुटकारा मिले। सही आशी, मुझसे इतनी उम्मीदें हैं और खुद से कुछ भी नहीं। खैर छोड़ो, तुम्हें कुछ कहने का कुछ फायदा ही नहीं है, तुम करोगी तो वही जो तुम्हारे दिल को सही लगेगा। आशी तुमने तो कुछ खोया भी नहीं, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया, अपने अरमान, अपनी माँ का नाम, अपने सपने, सब खो दिया। पता नहीं सिर्फ तुम्हें ये कैसे समझे कि ये सब हमने जानबूझ के नहीं किया।
सिर कुछ ही दिनों में दोबारा से कला क्रिएशंस को लॉन्च कर रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम डिजाइनर्स की बेस्ट टीम को रेडी करो और उन्हें कहो कि उनके बेस्ट डिजाइन्स हमें भेज दे, क्योंकि अब ये लॉन्च मैं खुद पर्सनली हैंडल कर रही हूँ। और वो लोग ऐसे डिजाइन्स हमें भेजे कि जिससे स्टाइल सागा के सारे डिजाइन्स फेल हो जाए। गॉट इट? यस मैम। हाय मासी, आपसे कुछ बात करनी थी। कहो। मासी, वो एक्चुअली हम आपसे कहना चाहते थे कि अगर कला क्रिएशंस के रीलॉन्च में आपको हमारी कोई भी जरूरत हो तो प्लीज कह दीजिएगा, क्योंकि जितना प्यार हम आशी से करते हैं उतना ही सिद्ध भाई से भी करते हैं, तो अगर हमारी छोटी सी भी कोशिश से उनकी कुछ हेल्प हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। ऑफ कोर्स। ये हॉल में इतना बड़ा आईना किसने रख दिया? क्या मतलब? अरे नीलिमा जी, आप हैं? हमें तो लगा हम अपने आप को ही देख रहे हैं आईने में। अब देखिए ना, ये साड़ी, ये हेयर स्टाइल, सब एक जैसा तो है। आप वैसे बहुत अच्छी लग रही है। सो तो है। मासी, पापा कहाँ हैं? शर्मा जी को कोई अर्जेंट काम था दिल्ली में, इसलिए आज सुबह ही दिल्ली निकल गए। ओके। मासी जी, जय श्री राम। मासी जी, हम अपनी जॉब पे जा रहे हैं, सिंघानिया ऑफिस। हमने नाश्ता बना दिया है, आप लोग खा लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय श्री राम काकी। खुश रहो, खूब पैसे कमाओ। आशी, हम क्या कह रहे हैं, अब से ना तू इस घर के कामों की चिंता बिल्कुल छोड़ दे, हम पर छोड़ दे सब कुछ। हम है ना, हम संभाल लेंगे सब, तू बस अपने काम पे ध्यान रख। निधि है ना, ये मदद कर लेगी हमारी। देख, तेरा बिजनेस खुलने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा ना, तब तक ये है ना बिल्कुल वेली बैठी है, ये कर देगी हमारी मदद। तो बस टेंशन मत ले, खूब पैसे कमा, मान सम्मान कमा। चल। नमस्ते जी, हम आशी मैम को लेने के लिए आए हैं, ये उन्हीं का घर है ना? ये रही आपकी आशी मैडम। मैडम, हम आपको ऑफिस ले जाने के लिए आए हैं, सिंघानिया सर ने आपके लिए कार भेजी है ताकि आप सही समय पर ऑफिस पहुंच सकें। हेलो आशी जी, आप हमारे ऑफिस की स्टार परफॉर्मर हैं, इसलिए सर ने आपके लिए पिक एंड ड्रॉप की स्पेशल सर्विस प्रोवाइड की है। क्या बात है आशी, तेरे बॉस तो बड़े मेहरबान हो रहे हैं तुझ पे। अब एक बात बताओ, ये मेहरबानियाँ तेरे अच्छे कामों के लिए है या उन पे भी जादू चलाया तुमने? हे राम जी, सिर्फ पहले से सिंघानिया के नाम से चिढ़ता है और अब उसने हमारे लिए कार, पता नहीं सिर्फ कैसे रिएक्ट करेगा। तुम अपनी कार ले जाओ, आशी मेरी पत्नी है और अपनी पत्नी को मैं खुद ड्रॉप करूंगा।
थैंक यू सर हमें यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। तुम्हें यहाँ आने जाने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। इसलिए नहीं तुम मेरी पत्नी हो। हाँ हो, लेकिन सिर्फ दुनिया की नजरों में, वरना तुम भी जानती हो और मैं भी कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ना तुम इस रिश्ते में रहना चाहती हो और ना मैं, जो कि सही भी है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। और वैसे भी चिंगानिया की गाड़ी रोज रोज मैं अपने घर के बाहर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भी उस घर के सामने जिसमें कला क्रिएशंस की धूम होनी चाहिए थी। वो हमारा, बहुत देर हो गई आशी, मुझे जाना है। आशी ऑफिस आ गई है। गुड, अब तुम्हें पता है आगे क्या करना है। वेलकम मिसेस आशी शर्मा। ऑल चीयर्स फॉर आशी। ये वाओ। आशी, आज तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ी सक्सेस मिली, सो वी ऑल वांट टू थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू। कम ऑन, लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट। यस यस सर, रुकिए ना प्लीज, एटलीस्ट केक कटिंग तक तो रुकिए। यस प्लीज सर, प्लीज सर। सिंघानिया सर ने आपके लिए कार भेजी ताकि आप सही समय पर ऑफिस पहुंच सके। गॉड, आशी अपना मोबाइल तो कार में ही भूल गए। नहीं, उसको मोबाइल देने वापस तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर उसे मोबाइल की वहां जरूरत पड़ी तो। सर प्लीज केक काटिए। सर, आशी को केक खिलाइए ना, आज इसकी और इसके डिजाइन्स की वजह से हमारा ब्रांड इतना सक्सेसफुल, मार्केट में नंबर वन पे है। तुम्हारा मोबाइल कार में रह गया था। What the hell? एक भी डिजाइन ढका नहीं है।
क्या हुआ बेटा, तू इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? मासी एक भी डिजाइन अच्छा नहीं है, ऐसे कैसे ब्रांड लॉन्च करूंगा मैं? इन डिजाइन के साथ लॉन्च करूं? नेवर नेवर। डोंट वरी सर, लुक हमने ये डिजाइन लखनऊ के बेस्ट डिजाइनर से बनवाए, हम क्यों ना ये डिजाइन पैन इंडिया से बनवाते हैं, एंड आई नो वहां से हमें बेस्ट डिजाइन मिल जाएंगी, एवरीथिंग विल बी फाइन। एक अच्छा बेटा नहीं बन सका मैं, इल हो गया। क्या क्या सपने देखे थे, आपके नाम को बुलंदी पर लेकर जाऊंगा, आपके नाम से अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा, जहां भी होंगी मुझे देख के बहुत खुश होंगे, आपको वो खुशी नहीं दे सका मैं। पता नहीं मां, सब सही जा रहा था, कहां क्या कमी रह गई, क्या गलत हो गया, सब खत्म हो गया, मेरे सपने कांच की तरह टूट के बिखर गए। कैसे मां, कैसे? देखो आज सुबह ऑफिस में तुमने जो देखा वो वैसा नहीं है जैसा तुम्हें दिख रहा है। मतलब देखो ना, कई बार आंखों के सामने जो होता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो आंखों के सामने नहीं होता। वो इस चीज सिंघानिया को सब लोग जबरदस्ती फोर्स कर रहे थे हमें केक खिलाने के लिए। तो ये सब तुम मुझे क्यों एक्सप्लेन कर रही हो? देखो तुम भी जानती हो और मैं भी कि हमारा रिश्ता बस नाम का है, ये शादी बस कुछ महीनों की है। तो तुम क्या करती हो, कहाँ जाती हो, किसके साथ रेस्टोरेंट जाती हो, किसके हाथों से केक खाती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। हाँ तुम इस शादी में हो, मैं इस शादी में हूँ, लेकिन हम इस शादी में नहीं। तो बस कुछ महीने और फिर तुम्हें इस जबरदस्ती वाली शादी से छुटकारा मिल जाएगा, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हमें माफ कर दीजिए करा मां, आज सिद्ध की आलत जो है वो हमारी वजह से है। सिद्ध का अगर सपना टूटा है तो वो हमारी वजह से, सब कुछ हमारी वजह से। काश कि वो पेपर्स हमने बिना देखे साइन नहीं किए होते, काश कि वो डिजाइन सिंघानिया तक नहीं पहुंचे होते, काश कि सब कुछ नहीं हुआ होता, काश कि हम सब कुछ रिवर्स कर पाते तो आज आपके नाम का ब्रांड लॉन्च हो जाता। सॉरी मासी जी। लॉकेट तो कलामा ने भी ऐसे ही लॉकेट पहने हैं।
ऐसी गला मा गलो खेटो मेरी जाग जाग को खरा है पुराने होने की वजह से इसके बीच के शब्द मिट गए क्या लिखा होगा ये किसने लिखा होगा ये लॉकेट कलम आ का है तो शायद कलम आने लिखा होगा पर क्या है मेरी जान मेरी जान को खरा खतरा मेरी जान को खतरा है अगर ये लॉकेट कलम आ का है तो मतलब कलम आने ही लूट लिखा है मेरी जान को खतरा है आशी क्या हुआ तुम इतनी हाइपर क्यों हो आशी जी अपने सिर को कहीं देखा है वो अभी उस तरफ गया लेकिन तुम्हें क्या हुआ अब तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहे हमें लगता है कि कलमा कलमा क्या हमें लगता है कि कलमा की मौत हादसे में नहीं हुई थी उनका खून हुआ था